नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्रैक सील का प्रयोग कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज़ क्रैक सील। फर्स्ट जितना भी पोर्शन हमें यूज़ करना होगा क्रैक सील का, उतना काट लेंगे, अच्छे से कट कर लेंगे उसको, जितना भी हिस्सा हमें उपयोग करना होगा। फिर कैंडल और मैच स्टिक की मदद से जो भी उसका काला पोर्शन होगा, द ब्लैक पोर्शन, उसको अच्छे से गर्म करेंगे, वार्म कर लेंगे उसको अच्छे से कैंडल या मैच स्टिक की मदद से। और जहाँ भी हमें लगाना होगा, प्लास्टिक शीट्स पे, स्टील शीट्स पे या सीमेंटेड शीट्स पे, या फिर टैंक्स, प्लास्टिक टैंक्स में, प्लास्टिक बाल्टीज या एक्वेरियम में, ग्लास एक्वेरियम में, तो उस हिस्से को पहले चौक या किसी भी चीज़ मार्कर वगैरह की मदद से हम मार्क कर लेंगे जहाँ भी हमको क्रैक सील का प्रयोग करना है। जो भी ब्लैक पोर्शन है उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे, वार्म कर लेंगे, जो भी हमें जितना भी पोर्शन हमें यूज़ करना है। उसको अच्छे से वार्म कर लेंगे, गर्म करने के बाद ही उसका प्रयोग करेंगे। फॉर ये इसलिए करते हैं कि ज़्यादा समय तक उसका असर रहे, क्रैक सील वहाँ पे लगा रहे ज़्यादा समय। फिर अच्छे से उसको पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे किसी भी चीज़ या रोलर वगैरह की मदद से, या हाथ से अच्छे से रोल करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे उस जगह पर जहाँ भी क्रैक है, पूरा रोल करेंगे इसको अच्छे से। या आप किसी भी चीज़ रोलर वगैरह या किसी भी बॉक्स वगैरह का मदद ले सकते हैं उसको चिपकाने के लिए। ये देखिए हमारा टैंक रिपेयर हो चुका है ऑलमोस्ट, और 10 से 15 मिनट में इसमें आप पानी इसको रिप्लेस करके पूरा जहाँ से भी आपने टैंक उठाया है वहाँ पे रख के पानी भर सकते हैं। पूरा अच्छे से पेस्ट करेंगे उसको, देखेंगे अच्छे से पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ।